सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डीएलएड एग्जाम के विषय में। दोस्तों, डीएलएड एग्जाम्स आप सभी लोग बहुत परेशान है और ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन आप लोगों का कमेंट नहीं आता है कि मैम एग्जाम कब होगा कब होगा। और दोस्तों, लगातार हम कोई भी न्यूज आती है तो लगातार आप लोगों को हम देते रहते हैं, कोई भी अपडेट रहती है तो उसे तुरंत अवगत करवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। अब दोस्तों, स्थिति बहुत ही बेकार होती जा रही है दिन प्रतिदिन। आप लोग देख रहे हैं केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है बजाय घटने के। तो उस स्थिति में आप हमारा उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है आप सभी लोगों को पता है, 22 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है। तो दोस्तों, इस स्थिति में यहाँ पर भी देखिए केसेस की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर यहाँ तक कि अब जो उत्तर प्रदेश शासन में सचिव है, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी के द्वारा स्पष्ट ये बात कही गई है कि 14 अप्रैल के बाद भी अब लॉकडाउन खोलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर एक भी केस रह जाता है तो फिर जितना भी हम लोगों ने इतनी मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगा। शासन ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं वो सब उन सब पर पानी फिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अभी जब तक केसेस कम नहीं होंगे आना और जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक लॉकडाउन खोलना बहुत ही मुश्किल है यूपी में। दोस्तों, अब इस स्थिति में जब शासन के द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं कि अब इस स्थिति में लॉकडाउन खोलना मुश्किल है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन अब लंबा जाने वाला है। और अगर लॉकडाउन और जाता है तो अब आप लोगों की परीक्षा लेट होना निश्चित है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, वो ये है कि स्कूलों में भी क्वारंटाइन वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। स्कूलों में क्वारंटाइन वार्ड का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जो भी सस्पेक्टेड लोग होंगे उनको स्कूलों में रखा जाएगा और कम से कम 14 दिन के लिए रखा जाएगा। तो आपके आसपास, आपके घरों के आसपास जो स्कूल है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर, यानी कि जहाँ पर लोगों को घरों से अलग रखा जा रहा है। तो इस स्थिति में अब आप लोग का जो एग्जाम होता है वो इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस में होता है, तो अगर यहाँ पर क्वारंटीन किए हुए लोगों को रखा जाएगा तो फिर आप लोगों का एग्जाम कैसे लिया जा सकेगा शासन के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर समस्याएं बहुत ही अधिक हैं और जब तक ये सब समस्याएं खत्म नहीं होती हैं तब तक आप लोगों का एग्जाम निर्धारित समय पे होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोगों का काम है कि पढ़ते रहना और बाकी जब भी स्थितियां सामान्य होंगी एग्जाम तो आपका निश्चित रूप से होगा। लेकिन जिस स्थिति में अभी देश चल रहा है, आपका प्रदेश चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो केसेस की संख्या है वो घटने की बजाय बढ़ती जा रही है और रोज इतने सारे नए नए केस मिल रहे हैं, इतना शासन के द्वारा इतनी मुस्तैदी की जा रही है, पुलिस विभाग के द्वारा डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की पूरी कोशिश है कि सभी एग्जाम्स टाइम पर करवा लिए जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि पीसीएस का एग्जाम टल गया, इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली थी, बीएड की परीक्षा भी आज फिर न्यूज़पेपर में निकला है कि बीएड की परीक्षा 22 अप्रैल को नहीं हो पाएगी, फिर जब लॉकडाउन खुलेगा आप तभी कोई नई तिथि घोषित की जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स हैं सभी की डेट टल रही है। तो फिर आप लोगों का एग्जाम दोस्तों अब कब होगा अब ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस स्थिति में देश जा रहा है और जब तक कहीं ना कहीं केसेस की संख्या कम नहीं होगी जब तक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सभी लोगों की सुरक्षा की बात है। और एक चीज है कि जो धारा 144 है वो बहुत सारे जिलों में लगाई गई है और धारा 144 का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि कहीं भी 5 व्यक्तियों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो अब यूपी के ही बहुत सारे जिलों में भी धारा 144 लगी है और कब तक लगी रहेगी ये भी कह पाना कुछ मुश्किल है। और आप सभी लोग को पता है अगर आप लोग का एग्जाम होगा तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ होगी, कम से कम 200 से 300 लोगों का एक सेंटर बनता है। तो इस स्थिति में दोस्तों अभी तो आप लोगों का एग्जाम होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये है कि आपने जो भी तैयारी की है उसको लगातार ऐसे ही पढ़ते चलिए, तैयार करते चलिए और कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। हम लोगों ने आपके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, हर एक प्लेलिस्ट में आपको उस सब्जेक्ट के सभी वीडियोस मिल जाएंगे और
चाहे वह बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, लघु उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, मॉडल पेपर हो, आपको सभी मिल जाएंगे। बस लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और आगे चल करके हम लोग आपको यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन करवाएंगे, सुपर टेट की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस को देख लें। दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोग के एग्जाम के विषय में, हम लोग तुरंत आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे, सबसे पहले अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद।